बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक बार इस गोपालपुर थाना क्षेत्र से संबंधित समस्त जनता के नाम पर एक बार जोरदार ताली हो, जिन्होंने ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग नहीं किया। हम इस पे लास्ट ही लाइन बोलना चाहेंगे, ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग महावीरी अखाड़ा में हमारे इधर नहीं होता। महावीर जी को कभी देखा है इस काम में ऑर्केस्ट्रा देखते हुए? कभी देखा है? माँ सीता के चरणों में उन्होंने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। आज महावीर जी की मूर्ति के सामने हम ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं, अच्छा लगेगा? कोई बोलिए अच्छा लगेगा? ना बोलिए ना अच्छा लगेगा? तो हम लोग एकदम संकल्प लेके नहीं होने देंगे। हम तो सुने हैं कुछ इलाकों में हम तो दंग रह गए, दुर्गा माँ के मूर्ति के सामने ऑर्केस्ट्रा कर रहा है, क्या चल रहा है? अच्छी बात है तो लोगों को समझाइए कहाँ चल रहा है, संस्कृति कहाँ ले जा रहे हैं? अरे आपको शादी विवाह है, आपके घर में कोई फंक्शन है, आप कराइए जो कराना है, हम लोग कभी मना नहीं करते हैं, लेकिन महावीर जी के सामने आप करा रहे हैं, बताइए। गांव में जो महावीर जी की तरह आचरण करता है उसको हम लोग बोलते हैं बजरंगी हो गया, ये नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं? नहीं बोलते हैं बजरंगी किसको बोलते हैं? सन्यासी हो गया। अब बजरंग बली के सामने आप ऑर्केस्ट्रा करा रहे हैं, तो इन चीजों पर पुनर्विचार कीजिए, अपने नए जनरेशन को समझाइए। और दुर्गा जी के सामने ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं, जिस माता की पूजा हम लोग करते हैं, कई लोग फलाहार पे 9 दिन 10 दिन फलाहार पे रहते हैं, जो आस्था रहती है नमक नहीं खाता, उनके सामने आप ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं। तो आप लोग संकल्प लीजिए कि इसको बंद करेंगे, बंद करेंगे ना, तो जोर से बोलिए, हाथ उठा के बंद करिएगा ना, एकदम संकल्प पूरे इलाके में फैलाइए कि क्या चल रहा है भाई। चलिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।